राजस्थान में लोकसभा के चुनावों की चुनाव प्रचार जो है वो अपने चरम पे है। बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा क्षेत्र में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है और त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर बीजेपी से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी पर एक बार फिर विश्वास जताया और वो दूसरी बार मैदान में जा रहे हैं। पिछली बार 3 लाख से अधिक मतों से जीत करके वह दिल्ली पहुंचे थे, एक बार फिर वो चुनावी मैदान में। कैलाश जी, इस बार थोड़ा माहौल बदला हुआ नजर आ रहा, क्या है? ऐसा है कि आपने पिछली बार भी देखा होगा कि कई लोग ये बात कर रहे थे कि क्या परिणाम होगा क्या नहीं होगा, लेकिन परिणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के लिए काम किया और इन 5 सालों के अंदर जो प्रधानमंत्री ने काम किया है, आज गरीब कल्याण की योजना हो, चाहे आपको गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अन्न देने की बात हो, या उज्ज्वला गैस कनेक्शन मेरी बहनों को मिला हो, या जिस तरह से घरों में कनेक्शन की बात की गई हो और प्रधानमंत्री आवास मिले हों, कोरोना का टीका लगा हो, ऐसे कई प्रकार के काम हुए जो गरीबों के, आज गरीब जिस तरह से कहता है कि वास्तव में हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये काम किए हैं जिससे हम गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं, और ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो काम हुआ है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आज चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे एक्सप्रेसवे बनाए हो, भारतमाला सड़कें हो, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें बनी हो, या रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ हो, या रेलवे की डबल लाइनों का काम जहाँ किया जा रहा हो, वहीं पर रेलवे के अंदर जो अमृत स्टेशन बनाए जा रहे हैं और जहाँ, तो ये सारे जो काम हो रहे हैं, और चाहे रक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, भारत का नाम दुनिया में हो रहा है, ये सारी हिंदुस्तान की जनता देख रही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर राजस्थान की जनता है, बाड़मेर जैसलमेर की जनता है, या पूरे देश की जनता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और निश्चित रूप से जो परिणाम आएगा वो राजस्थान में 25 की 25 भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीटों के साथ आएगी। कांग्रेस जो है वो आपको कहीं ना कहीं मान भी नहीं रही, वो निर्दलीय से अपने आप को फाइट बता रही, और कल पीसी चीफ ने मंच से कह दिया कि उनको जाकर के ये कह देना कि कहीं नामांकन वापस नहीं करें। अब ऐसा है, मेरी बात सुनो, कि राजनीति के अंदर सबको बोलने का अधिकार है, कुछ भी बोले, नैरेटिव बनाना, ये सारा काम कांग्रेस ने आज से नहीं बरसों से किया, और जाति की पॉलिटिक्स, भ्रष्टाचार, ये कांग्रेस ने किया है सब। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ राजस्थान की जनता है, बाड़मेर जैसलमेर की जनता है, और यही चीज वो उस समय भी कहते थे और आज भी वही चीज वो कह रहे हैं, और उस समय भी विधायक नहीं वहां पर बना था बाईतू के अंदर, और उस समय भी यही लोग यही भाषा बोल रहे थे, और बाड़मेर जैसलमेर की जनता ने मुझे आशीर्वाद देते और 3.25 लाख वोटों से जीता के भेजा है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब जनता साथ होती है ना तब सब कुछ होता है। भीड़ करना, भीड़ तंत्र, भीड़ वोट में बदलना, वो बहुत फर्क होता है, क्योंकि वोट जनता दिल से देती है, भीड़ तो किसी को देखने के लिए भी आ जाती है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब कोई भीड़ के लिए, कोई मैं चाहूँ तो गुजरात से बुला लूँ, मैं चाहूँ तो किसी और जगह से, दिल्ली से बुला लूँ, कहीं से भी आ सकती है, राजस्थान के अन्य कोनों से भी आ सकती है। भीड़ वोट में कब, वोट तो बाड़मेर जैसलमेर की जनता देगी। इसलिए मुझे ये लगता है कि जनता के दिलों में जो प्रधानमंत्री जी की जो जगह बन चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसको कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री जी दिल से काम करते हैं और देश के लिए काम करते हैं, और गरीब के लिए हो, चाहे किसान के लिए हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला के लिए जो काम किया है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, और मैंने जो 5 साल में यहाँ पे काम किए, जो काम जनता ने देखे, मैंने कोरोना के समय के अंदर हॉस्पिटल के अंदर मैं काम कर रहा था, जान को जोखिम में डालकर भी वहां पर खड़ा था, हर हॉस्पिटल में गया हूँ। कांग्रेस के लोग तो उस समय कहाँ थे, जो भाषण दे रहे थे उनके मुख्यमंत्री कहाँ थे, 2 साल तक तो घर से ही बाहर नहीं निकले, उस समय राजस्थान की जनता उनको नहीं दिख रही थी क्या? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने चाहे यहाँ पर कई ऐसे काम कराए, चाहे वो कई ट्रेनें शुरू करवाई है, तो कई हमारे जैसे भारतमाला की सड़कें बनी है बाड़मेर जैसलमेर में, वंदे भारत की जो ये जो एक्सप्रेस वे बनाया है, और ऐसे ही हमारे जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं जो हजारों किलोमीटर यहाँ पर बनी है, और बाजरा अनुसंधान केंद्र हुआ है,
और जो रिफाइनरी का काम इतना बड़ा चल रहा है जिसमें हमारे कई हजारों युवाओं को रोजगार मिल रहा है और भविष्य में इसको और आगे ले जाएंगे। और ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो संकल्प देती है उसको पूरा करती है। और अब सरकार राजस्थान में आई है, कांग्रेस की सरकार तो आपको पता है कि राजस्थान में थी तो उन्होंने तो सिर्फ करप्शन किया था और उन्होंने कामों को, केंद्र सरकार के कामों को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन अब यहाँ पर सरकार है तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि बाड़मेर जैसलमेर का अब विकास होगा और युवाओं को रोजगार से लेकर अन्य सारी चीजें निश्चित रूप से मिलेगी, ताकि हमारा बाड़मेर है वो आने वाले समय के अंदर देश के अन्य जो विकसित जिले हैं उनकी तरह आगे बढ़े। किसान नेता के रूप में कैलाश चौधरी को जाना जाता है, लेकिन इस बार बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर देखा जाता है कि कई किसान नेता जो है वो कैलाश चौधरी के सामने खड़े हैं और दमदार तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे पाटेंगे, क्योंकि कैलाश चौधरी अपने आप को अकेला महसूस तो नहीं करते? जब जनता साथ होती है ना तो कोई अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता। मेरे साथ बाड़मेर जैसलमेर की जनता पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेंगी, क्योंकि मैंने धरातल से काम किया है, दिल से काम किया है, मैंने आंदोलन किए हैं जब आवश्यकता पड़ी जनता के लिए। वही जनता है जिसके लिए मैं सड़कों पर सोया हूँ, इसी जनता के लिए मैंने पुलिस के डंडे खाए हैं, इसी जनता के लिए मैंने सब कुछ वो किया है। तो बाड़मेर जैसलमेर की जनता निश्चित रूप से जो काम करवाती है उसके साथ रहती है। और बाड़मेर जैसलमेर के अंदर मैं आपको कहूंगा कि आने वाले समय के अंदर मेरे पे पूरा आशीर्वाद रहेगा और निश्चित रूप से यहाँ से हम बाड़मेर जैसलमेर और राजस्थान में 25 की 25 और केंद्र में हम 400+ के साथ नरेंद्र मोदी जी से इसको मानते हैं कॉम्पिटिटिव, क्योंकि कांग्रेस दमखम के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और कल की रैली ने मार्केट के अंदर जो हवा है उसको बदल दी। ऐसा है, हवा तो पहले भी मैंने कहा ना चल रही थी, हवा तो पिछली बार भी चल रही थी कुछ, और परिणाम कुछ रहा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे को मेरे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और बाड़मेर की जनता है वो अंदर ही अंदर मोदी जी के साथ है, मेरे साथ है। और इसलिए मैंने कहा ना भीड़ हवा ये तो वोट में कन्वर्ट करना है, तो वोट के लिए तो निश्चित रूप से जनता ही देगी आशीर्वाद, और जनता है वो आज नरेंद्र मोदी जी के कामों के साथ है, भगवान श्री राम के साथ है, विकसित भारत के साथ है। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निर्दलीय को टक्कर मार रहे हो, निर्दलीय से भी ऐसा है कि चुनौती या टक्कर जो भी है, चुनाव के अंदर हर व्यक्ति को अपने हिसाब से चुनाव लड़ना होता है। और मैं तो यही मानता हूं कि मेरे साथ बाड़मेर जैसलमेर की जनता है और बाड़मेर जैसलमेर की जनता के काम मेरे लिए चुनौती है, और मैं आने वाले समय के अंदर जो ऐसे काम है वो मुझे करवाने हैं, इसलिए मैं तो उसके ऊपर ध्यान दे रहा हूं। और मेरे को आने वाले वक्त के अंदर बाड़मेर जैसलमेर का काम भी कराना है और इसके साथ ही यहाँ के लोगों की जो भावनाएं उनको कैसे हम, जहाँ राजस्थान में सरकार नहीं थी तो अब आगे हमारी डबल इंजन की सरकार बनी है, यहाँ की सरकार भी भाजपा की और केंद्र में भी भाजपा की सरकार निश्चित रूप से बनेगी, तो यहाँ के कामों को कराना और मेरा ये मकसद है। और मैं पिछले 20-25 साल से राजनीति के अंदर सिर्फ सेवा ही करता आया हूँ और आगे भी निश्चित रूप से सेवा ही करूंगा, और यही मेरा एक मकसद है और इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ आगामी दिनों में, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने भी डिमांड रखी है कि पीएम की यहाँ पर सभा हो, तो कब तक बन रहा है कार्यक्रम, क्या बनने वाला है? ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी के दौरे पूरे देश भर में निर्धारित और निश्चित किए गए हैं, और उसमें से बाड़मेर जैसलमेर में भी हमें उम्मीद है कि जल्दी ये प्रोग्राम बनेगा, ताकि बाड़मेर के जो यहाँ की जनता प्रधानमंत्री जी का इंतजार कर रही है, तो बहुत जल्दी मुझे लगता है कि ये भी खुशखबरी मिलेगी। केला जी का एक बयान जो था वो काफी चर्चाओं में भी रहा, उस बयान का मतलब भी कुछ गलत निकला कि मेरी गलती की सजा पीएम को मत देना, क्या मकसद था और कहीं लगता नहीं कि इससे कार्यकर्ताओं हतोत्साही हो गए? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने ये नहीं कहा, मैंने जो कहा उसको कोई लोग अगर तोड़ मरोड़ के पेश करे तो अलग बात है। राजस्थान में सरकार कांग्रेस की थी, मैंने कई ऐसी अपेक्षाएं की थी कि वो काम हो जो कांग्रेस की सरकार अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी, जैसे कि एयरपोर्ट भी हो गया, आपने इंटरव्यू लिया था और आपने कहा था, मैंने कहा मैं एयरपोर्ट बनाऊंगा, लेकिन राजस्थान की सरकार ने 4 साल तक जमीन नहीं दी। तो स्वाभाविक है कि मैं जो कहता हूँ दिल से कहता हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोलता हूँ, और किसी को अगर ये बात बुरी लगती है तो अलग बात है। तो इसलिए मैंने ये कहा कि मेरे उस कांग्रेस की सरकार की वजह से या जो लोग हैं उनकी अपेक्षा की वजह से वो नहीं हुए,
तो इसके लिए मेरी तरफ ना देखकर मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश को यहाँ तक आज विश्व में बना दिया है, तो प्रधानमंत्री जी को निश्चित रूप से मतदान करें। तो ये कांग्रेस की और राजस्थान की सरकार की बात हुई थी, ना कि दूसरी चीज पर केस किया गया। आपने एक निर्दलीय को मना करके अपने साथ जोड़ दिया, दूसरे में ऐसी क्या कमी रहेगी आपके साथ नहीं आए? ऐसा है कि प्रयास जरूर किए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी प्रयास किए, और निश्चित रूप से बाड़मेर जैसलमेर का विकास करवाना है, शिव का भी विकास करवाना है, शिव की जनता को बहुत अपेक्षाएं हैं। तो इसलिए बातचीत में यही था कि राष्ट्रवाद हमारे पहले हैं, विकास पहले हैं, इस बात पर सहमति बनी। लेकिन उसके बाद में जो कारण रहे, राजनीति के अंदर स्वाभाविक है, कुछ भी कारण रह सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद एक ही है कि यहाँ का विकास करवाना है, बाड़मेर जैसलमेर शिव का विकास कराना है। डबल इंजन की सरकार जो बनी है यहाँ पर राजस्थान के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में निश्चित रूप से सरकार बन रही है, तो हम तो यही कहते हैं कि आने वाले समय में विकास प्राथमिकता में हो, और विकास के नाम पर जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। मेरा क्षेत्र है जो बाड़मेर जैसलमेर है, वो बहुत ही जिस तरह से कहते हैं कि पिछड़ा हुआ है, इस यहाँ पर आने वाले समय में कैसे हम टूरिज्म को बढ़ावा दें, इस पर मैं काम करूंगा, क्योंकि मेरा सपना था, यहाँ सरकार ने उसके ऊपर बढ़ावा नहीं दिया। ऑर्गेनिक हब बने, इसके लिए भी राजस्थान की सरकार ने सपोर्ट नहीं किया था। यहाँ के किसानों को मीठा पानी मिले, नर्मदा का पानी बाड़मेर आए, और उधर से इंदिरा गांधी नहर का भी पानी आए, नदियों से नदियां जोड़ने का जो सपना है वो भी अब सरकार बनी है तो वो पूरा होगा। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए वो सारी जो है वो करवाना मकसद हमारा है, हमारे लिए तो एक ही है, हमारे क्षेत्र का विकास, और वो निश्चित रूप से मैं यही कह सकता हूँ कि वो काम पूरे तभी होंगे जब सरकार के साथ मिलकर हम काम करेंगे। सरकार निश्चित रूप से, मैं तो ये कहता हूँ, यहाँ पर राजस्थान में भी सरकार भाजपा की है, और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर निश्चित रूप से जनता मुझे आशीर्वाद देगी, और बाड़मेर जैसलमेर के अंदर किसानों की समस्या जो पानी की है उसको पूरा करेंगे, मीठे पानी पीने की समस्या उसको भी पूरा करेंगे, और भी हमारे युवाओं को रोजगार मिले इनके लिए भी काम करूंगा। तो निश्चित रूप से मैं तो यही कहता हूं कि काम हम सबके लिए प्राप्त, कार्यकर्ताओं में एक कहीं ना कहीं एक इस तरीके का माहौल सेट होता है कि कैलाश चौधरी जो है वो चुनाव प्रचार में अभी आए नहीं है, तो क्या आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि कैलाश चौधरी का प्रचार जो है वो उठेगा? ऐसा है कि कार्यकर्ता तो उत्साहित है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के समय में चुनावी मोड में नहीं आते, वो हमेशा चुनाव मोड में ही रहते हैं और हमेशा संगठन का काम करते हैं और वो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, और संगठनात्मक हमारी सारी बैठकें हुई है, कार्यकर्ता सारे काम पे निश्चित रूप से जनता के बीच में जुड़े हुए हैं, जनता के साथ हैं, जनता की समस्याओं के साथ है, उनके समाधान के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो हमारी सभी जगह पर बैठकें हो चुकी है, कार्यक्रम सब तय हो चुके हैं, और चुनाव का अभी तो फॉर्म नॉमिनेशन का आज लास्ट डे है, और कल से निश्चित रूप से आप देखना कि जिस तरह से सभी हमारे विधायक और सभी हमारे कार्यकर्ता है वो फील्ड के अंदर, हमारे भी दौरे बने हुए हैं सभी विधानसभाओं के अंदर, तो निश्चित रूप से मैं तो लगातार कार्य कर रहे हैं हम सभी मिलकर, और ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर जिस तरह से एक लोग बात कर रहे हैं, नैरेटिव शेड करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पिछली बार भी जब रिजल्ट आया था उस समय भी वही बातें थी, लोग यही बातें कर रहे थे, मेरे को विधानसभा के अंदर भी कह रहे थे भाई तू के अंदर के कैलाश नहीं जीतेगा, सट्टा बाजार यही कह रहा था, और बाड़मेर के लोकसभा के अंदर भी यही सट्टा बाजार कह रहा था कि 24 सीटें आएगी, बाड़मेर नहीं आएगी, और आज भी मैं तो यही कह रहा हूँ कि पिछली बार भी मैंने कहा था कि जनता पे मुझे भरोसा है बाड़मेर जैसलमेर की, और इस बार भी कहता हूँ मैं बाड़मेर जैसलमेर की जनता के भरोसे ही हूँ और उन पे मुझे पूरा भरोसा है, और हम उसके बाद तो आपको देखा अब तो भगवान श्री राम का मंदिर बनाया है, धारा 370 हटी है, ऐसे कई देश अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ा है, आज सीए का कानून आया हो, ये जो जितने काम हुए हैं तो जनता के उसमें, इसलिए जो लोग हैं वो मोदी जी के कामों के साथ है, और मैं जनता के बीच में रहा हूँ, कनेक्टिंग रहा हूँ, मैं लगातार आया हूँ जनता के बीच में, तो जनता आज मुझे चाहती है दिल से, मैं तो निश्चित रूप से जनता के बीच में सेवक के रूप में हूँ और सेवा करूंगा आगे। कांग्रेस जो है वो निर्दलीय और कैलाश चौधरी को ए और बी टीम बता रही है, ऐसे में कहीं कहीं वोटों का जो पोलराइजेशन है वो किया जाने की कोशिश की जा रही, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? ऐसा है, कांग्रेस तो हमेशा लड़ाने का और जाति की राजनीति उन्होंने की है, और 60 साल तक जनता को गुमराह किया उन्होंने,
और 60-70 साल तक उन्होंने वही काम किया और वही अभी कर रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उन्होंने जिस तरह से इस देश के अंदर उन्होंने देश को पीछे ले जाने का काम किया। तो इसलिए ये कांग्रेस का काम यही है, गलत अफवाहें फैलाना, झूठी बातों को ज्यादा ज्यादा प्रोत्साहन करना, उनकी खुद के गिरेबान में देखे कि उनके अंदर क्या है। सचिन जी आते हैं तो अशोक जी आते हैं, सचिन जी चले जाते हैं, कोई विधायक विदेश चले जाता है, तो ये स्थितियां हैं, उनके खुद के गिरेबान में देखे। हमारे तो मैं तो यही कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है, सारे कार्यकर्ता मिलकर हम जनता के बीच में निवेदन करने जाएंगे और जनता मोदी जी के नाम को आशीर्वाद देगी, हमें आशीर्वाद देगी और निश्चित रूप से परिणाम है जो मोदी जी के पक्ष में, प्रधान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, बाड़मेर जैसलमेर और राजस्थान के 25 की 25 सीटें भाजपा के लिए। तो यह है केला चौधरी, जिनका साफ तौर से कहना है कि एक बार फिर राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीत करके 400 पार बीजेपी सीटें लेके आएगी और एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, लेकिन परिणाम क्या होगा ये 4 जून को मालूम चलेंगे। कैमरामैन गणपत के साथ प्रेमनंदे था, न्यूज 18 बाड़मेर।